मोदी ने गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी भी दी है। अभी तक देश की 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस वर्ष के बजट में हमने घोषणा की है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। अभी संकल्प की सिद्धि के लिए मैं जुटा हूं। आज स्वयं सहायता समूहों में बहनों बेटियों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इन बहनों को बैंकों से 8 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। 40,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड केंद्र सरकार ने दिया है। महाराष्ट्र में भी बचत समूहों से जुड़ी बहनों को इसका बहुत लाभ हुआ है। आज इन समूहों को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। यवतमाल जिले में बहनों को अनेक ई रक्षा भी दिए गए। मैं शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा सहित महाराष्ट्र की पूरी सरकार का इस काम के लिए विशेष रूप से अभिनंदन करता। और साथियों, अब बहने ई रिक्शा तो चला ही रही है, अब तो ड्रोन भी चलाएगी। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बहनों के समूह को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर सरकार इन बहनों को ड्रोन देगी जो खेती के काम में आएगा। साथियों, आज यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का आपके लोकार्पण हुआ है। पंडित जी अंत्योदय के प्रेरणा पुरुष है। उनका पूरा जीवन गरीबों के लिए समर्पित रहा है। हम सभी पंडित जी के विचार से प्रेरणा लेते हैं। बीते 10 वर्ष गरीबों के लिए समर्पित रहे हैं। पहली बार मुफ्त राशन की गारंटी मिली है, पहली बार मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। आज भी हम महाराष्ट्र के 1 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड देने का अभियान शुरू हुआ है। पहली बार करोड़ों गरीबों के लिए शानदार पक्के घर बने हैं। आज ओबीसी परिवारों के घरों के निर्माण के लिए विशेष योजना शुरू हुई है। इस योजना के तहत 10 लाख ओबीसी परिवारों के लिए पक्के घर बनेंगे। साथियों, जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी ने पूछा है, उनको पूजा है। विश्वकर्मा साथियों के लिए, बलूतेदार समुदायों के कारीगरों के लिए कभी कोई बड़ी योजना नहीं बनी। मोदी ने पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। कांग्रेस के समय में आदिवासी समाज को हमेशा सबसे पीछे रखा गया, उन्हें सुविधा नहीं दी। लेकिन मोदी ने जनजातीय समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों तक की चिंता की है। पहली बार उनके विकास के लिए 23,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू हो चुकी है। ये योजना के महाराष्ट्र के कातकरी, कोलाम और माडिया जैसे अनेक जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन देगी। गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति को सशक्त करने का ये अभियान और तेज होने वाला है। आने वाले 5 वर्ष इससे भी अधिक तेज विकास के होंगे। आने वाले 5 वर्ष विदेश के हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाने वाले होंगे। एक बार फिर किसान परिवारों को, आप सभी को अनेक अनेक बधाई।